हम लोग पढ़ना आंशिक भिन्न का स्वरूप। आंशिक भिन्न के कितने स्वरूप हैं? अगर मान लीजिए कोई आंशिक भिन्न इस प्रकार पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप का है, तो आप इसको तोड़ेंगे ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी, पहला टाइप होगा। दूसरा देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आंशिक भिन्न पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आप इसको तोड़ेंगे ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा टाइप है, अगर कोई आंशिक भिन्न पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी प्रकार का हो, तो इसको भी आप तोड़ेंगे ए बटे एक्स माइनस ए बी बटे एक्स माइनस बी और सी बटे एक्स माइनस सी में। अगर कोई भिन्न इस प्रकार से हो, चौथा प्रकार है कि मान लिया जाए उसका प्रकार पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी हो, तो लिखेंगे एक्स बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस बी, है ना। और यदि कोई भिन्न इस तरह से हो, पांचवा प्रकार है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हो, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो आप इसको अलग अलग तोड़ दीजिएगा, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, स्मॉल बी स्मॉल सी। ये पांच टाइप हैं तोड़ने के आंशिक भिन्न को। आंशिक भिन्न को तोड़ने के पांच प्रकार हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चंस देखा जाए। जैसे क्वेश्चन है, लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री डी एक्स। थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, है ना। तो आप इस मेथड से तोड़ लीजिए तीसरे वाले से, तो लिख सकते हैं 3x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ए बटे एक्स माइनस वन बी बटे एक्स माइनस टू और सी बटे एक्स माइनस थ्री। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस वन और हर जो है कांस्टेंट है सब में कट जाएगा, ये भाग देंगे तो बचेगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, गुणा कराएगा इसके साथ, b के साथ x माइनस वन और x माइनस थ्री कराएगा और c के साथ x माइनस वन और x माइनस थ्री कराएगा गुणा। आगे देखिए 3x माइनस वन, ये देखिए x स्क्वायर ये माइनस थ्री और माइनस टू 5x हो जाएगा, दो तीन छः प्लस b x और x x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस फोर एक्स और प्लस थ्री और c के साथ x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स माइनस फोर एक्स और थ्री थ्री हो जाएगा थ्री, है ना। लगता है यहाँ कुछ मिस्टेक है, x माइनस टू रहे तो यहाँ x माइनस टू करेंगे तो प्लस टू आएगा,
तो यहाँ ए बी और सी एक्स स्क्वायर के गुणांक बनेंगे और माइनस फाइव ए माइनस फोर बी और माइनस फोर सी सॉरी थ्री सी होगा, दो एक कम दो, दो एक तीन, थ्री एक्स होगा ना, माइनस थ्री सी एक्स के गुणांक होंगे और अचर पद में सिक्स ए प्लस थ्री बी और प्लस टू सी ये अचर पद होंगे, थ्री एक्स माइनस वन यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य मान लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल गई जीरो, है ना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल गई जीरो। उसी तरह से इसको मान लेंगे तो तीन मिलेगा, माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी बराबर थ्री, और इसकी वैल्यू आपको मिल चुका है वन, सिक्स ए प्लस थ्री बी और प्लस टू सी बराबर माइनस वन। है ना, आइए अब इसको आगे बढ़ाएं। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करें कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले तीन अज्ञात हैं और हम पहले वाले समीकरण को हम पाँच का गुणा करके यहाँ जोड़ देते हैं, छः गुणा करके यहाँ घटा दे रहे हैं, ठीक है, अर्थात माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी बराबर थ्री में फाइव ए फाइव बी फाइव सी करके गुणा करके जोड़ देंगे, ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा बी प्लस टू सी बराबर थ्री, एक इक्वेशन। उसी तरह से सिक्स ए थ्री बी प्लस टू सी माइनस वन में इसमें सिक्स का गुणा करा दें, सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी, इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा तो आएगा माइनस थ्री बी माइनस फोर सी बराबर माइनस वन, या थ्री बी प्लस फोर सी बराबर वन, है ना, इसमें तीन का गुणा करा लीजिए चाहे दो का, है ना, तीन का गुणा करा करके यहाँ से लाग घटा दीजिए, थ्री बी प्लस सिक्स सी बराबर नाइन, घटा दीजिए इसको, ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस टू सी बराबर माइनस एट, या सी बराबर मिलेगा फोर, सी बराबर फोर यहाँ रख दीजिए तो बी बराबर मिलेगा थ्री माइनस टू सी चार गुना आठ, बी बराबर माइनस पाँच मिलेगा, यहाँ पर रख देंगे तो ए बराबर मिलेगा माइनस पाँच प्लस पाँच हो जाएगा और चार जो है माइनस चार हो जाएगा, ए बराबर एक मिलेगा। ए बी सी की वैल्यू जो पीछे क्वेश्चन था वहाँ रखेंगे तो हम लोगों को मिला था ए बटे एक्स माइनस वन और बी बटे क्या मिला था एक्स माइनस टू और सी बटे, तो अब यहाँ पुट आउट कर दीजिए, है ना, ए की वैल्यू कितना वन ना, बी की वैल्यू माइनस कितना, बी की वैल्यू कितना और यहाँ पर सी की वैल्यू आपको चार मिला है और इसी को आपको इंटीग्रेट करना डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए वन वन बाई एक्स माइनस वन का लॉग एक्स माइनस वन माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू और यहाँ प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री, यहीं छोड़ दीजिए आंसर मान लीजिए या चेंज। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, है ना, कैसे सॉल्व करें देखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 लेते हैं इसको, यहाँ कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिए x माइनस 1 डी एक्स बचेगा, तो आपको मिल गया 3x प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 है ना, या इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 यहाँ से x माइनस 1 एक बाहर हो जाएगा तो इसको बना देगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये टाइप नंबर देखिए कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया है ना, तोड़ दीजिए इसको, इसी को सॉल्व करना आपको। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a बटे x प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे x माइनस 1 b बटे x माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। लेकिन ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है, वही कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे a बटे x प्लस 1 और प्लस b बटे x माइनस 1 और प्लस c बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। हर कट जाएगा, ए के साथ आएगा, ए के साथ इधर से मिटा लेता हूँ क्योंकि इधर इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पूरा लिखेंगे ताकि आ जाए आराम से क्वेश्चन। ए के साथ 3x प्लस 5 बराबर मिलेगा, ए के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बी के साथ x प्लस 1 और एक x माइनस 1 और सी के साथ x माइनस 1 कट जाएगा तो x प्लस 1 आएगा, है ना, क्योंकि सबका एलसीएम x प्लस 1 यही होगा एलसीएम। इससे भाग देंगे तो ये वाला बचेगा, a में गुणा कराएगा, इससे भाग देंगे तो एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1, इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाए, ये बचेगा, है ना। चलिए देखते हैं 3x प्लस 5, इसका विस्तार कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और b एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c x प्लस 1, x स्क्वायर का गुणांक आ गया a प्लस b और x का गुणांक क्या है माइनस टू ए माइनस बी, एक्स का गुणांक सॉरी प्लस सी एक्स का गुणांक हो जाएगा, अचर पद में a आएगा माइनस बी आएगा और c आएगा। ये है 3x प्लस 5 की वैल्यू, यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर समझिए, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 0 और माइनस टू ए प्लस सी की वैल्यू मिल गई 3 और अचर पद मिल गया आपको a माइनस बी प्लस सी बराबर 5। यहाँ से a बराबर माइनस बी है ना, और यहाँ से a बराबर माइनस बी रख दीजिए, यहाँ a बराबर b बराबर निकाल लीजिए, b बराबर माइनस ए लिख लीजिए, है ना, तो b बराबर माइनस ए रखेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, तो 2a प्लस सी बराबर 5 और यहाँ पता है माइनस 2a प्लस सी बराबर 3, जोड़ दीजिए कट गया 2c बराबर 8, सी की वैल्यू 4 आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे तो माइनस टू ए प्लस 4 बराबर 3, तो माइनस टू ए बराबर 4 यहाँ से घटेगा माइनस 1, तो ए बराबर 1 बटे 2, ए बराबर 1 बटे 2 तो बी बराबर माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा, बी बराबर माइनस 1 बटे 2। हो गया, तो ए बी और सी तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, अब हम लोग यहाँ रखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए की वैल्यू रख देंगे 1 बटे 2 तो बाहर हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू माइनस 1 बटे 2 डी एक्स बाय एक्स माइनस 1 और सी की वैल्यू 4 है इंटीग्रेशन ऑफ
एक बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका आएगा लॉग एक्स प्लस वन, इसका आएगा माइनस लॉग एक्स माइनस वन, है ना, और इसका आएगा फोर माइनस वन बाई एक्स आएगा, तो माइनस हो जाएगा वन बाई एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस वन और प्लस सी, है ना। तो इकट्ठा लॉग में कर दीजिए, इसके घाते वन बाई टू और इसके घाते भी वन बाई टू, तो कैडी में समझ सकते हैं। लॉग वन बाई टू कॉन्स्टेंट ले लीजिए तो एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन माइनस फोर बाई एक्स माइनस वन प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। टू अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो गया। आइए देखते हैं, इसको तोड़ दीजिए, है ना, इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो दो कांस्टेंट है, इसको किनारे रहने दीजिए, डी एक्स बाई वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टाइप नंबर देखिए किससे मिल रहा, घात के रूप में एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर जब भी घात कर जाएगा तो इस रूप से आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे किसको, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे वन ए बाई वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम जब लेंगे तो यही मिलेगा, इससे काटेंगे तो ए के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा और बी एक्स प्लस सी के साथ वन माइनस एक्स का गुणा होगा, हर हर कट जाएगा तो वन बचेगा। तो यहाँ देखिएगा ए, ये गुणा करा लीजिए, ए के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स, बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स इक्वल टू वन। यहाँ देखिए अचर पद में a और प्लस c आएगा, x स्क्वायर का गुणांक a आएगा और माइनस b आएगा, और x का गुणांक जो आएगा वो b आएगा और यहाँ माइनस c आएगा, x का गुणांक वन के इक्वल है। अचर पद ए प्लस सी की वैल्यू हमको मिल गया वन, है ना, और ए माइनस बी का गुणांक जीरो है तो ए माइनस बी बराबर जीरो, या ए बराबर बी मिल गया। बी माइनस सी का भी गुणांक नहीं, जीरो लिख बी बराबर सी लिख सकते हैं, बी बराबर सी हो गया, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी। तो हम लोग यहाँ रख देंगे तो ए ए टू ए बराबर वन, तो ए बराबर वन बाई टू, ए बी सी, ए बी सी सबकी वैल्यू कितनी हो गई वन बाई टू। अब यहाँ आके रख दे रहे, रख लीजिए। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ टू तो कांस्टेंट था, सबको वन बाई टू मिल रहा, वन बाई टू कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक बटे इंटीग्रेशन एक बटे वन माइनस एक्स डी एक्स, है ना, और यहाँ प्लस वन बाई टू यहाँ चला आया, एक्स बचेगा, इसका भी वन बाई टू चला गया, तो प्लस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका डी एक्स, है ना। तो ये लॉग में हो जाएगा, ये टू टू कट गया, तो लॉग वन माइनस एक्स हो गया, ये प्लस, ये देखिए अलग अलग लिखेंगे, एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन अब आप डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये लॉग हो गया,
और इसको f डैश x बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ, एफ एक्स नीचे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 से 2 गुणा कराएँ कहें काटूँ तो एफ डैश एक्स ऊपर है तो लॉग एफ एक्स होता है ना, तो लॉग 1 माइनस एक्स और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका टेन इनवर्स एक्स होगा ना, टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर। हो गया, देखिए आगे क्वेश्चन। फोर माइनस तो इसको हम लोग यही वाला सॉल्व कर सही भी तो किए थे। अच्छा वीडियो में देखना नहीं है, बोले भी थे बाद में मिटा करके। अच्छा चलिए, अच्छा अब आपकी बार सब सही है ना। हाँ, इसके बाद अब बीच में आवाज़ नहीं आए ताकि काटना ना पड़े ढेर, है ना। इसी को सॉल्व करना, सॉल्व करिए देखिए। इसको लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और पुनः इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से तोड़ लीजिए, और छोटा मत करिए, ऐसे तोड़ लीजिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको वर्गांतर के रूप में मैंने तोड़ा है, तो ऐसे लिखिए ए एक्स प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए, है ना। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन भी सॉल्व करने में। ए एक्स प्लस बी में गुणा कराएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी में गुणा कराएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 के इक्वल कर दीजिए। हो गया, ए एक्स का देखिए क्या मिलेगा, ए के साथ मिलेगा, ए के साथ मिलेगा एक्स क्यू प्लस एक्स, बी के साथ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी के साथ मिलेगा एक्स क्यू माइनस एक्स, और डी के साथ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स क्यू का गुणांक ए दे रहा है और सी दे रहा है ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी दे रहा है और डी दे रहा है, एक्स का गुणांक ए दे रहा है और माइनस सी दे रहा है, अचर पद बी दे रहा है और माइनस डी दे रहा है, 1 के बराबर। तो एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं है तो ए प्लस सी बराबर 0, बी प्लस डी बराबर भी 0, ए माइनस सी बराबर 0, है ना, फिर गलत है, गलत हो गया कहीं। फिर गलत हो रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू से 0 आ रहा है, जाने दीजिए, गलत होगा होने दीजिए, लगाइए। यहाँ देखिए अभी भी b और d आएगा, b प्लस डी बराबर 0 और b माइनस डी बराबर 1, अचर पद है ना b माइनस डी 1, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, दोनों 0 आएगी, क्योंकि जो जोड़ेंगे 2a बराबर 0 और b बराबर 0, और b प्लस डी बराबर 0 यहाँ जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, 2b बराबर 1 और b बराबर 1 बाई 2, और यहाँ से
बी बराबर वन बाई टू रखेंगे तो बी डी बराबर यहाँ से माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ठीक तो है, सही, कोई दिक्कत, सॉल्व करें, है ना। हाँ, ए और सी दोनों जीरो आए, क्योंकि ए जीरो होगा सी पक्का जीरो हो जाएगा, है ना। अब आइए इस समीकरण में रखेंगे, ए और सी जीरो हैं तो बी की वैल्यू पता चला, तो बी की वैल्यू जो पता चला वो कितना पता चला भाई, वन बाई टू, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। और डी की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब इसी को इंटीग्रेट करना, वन बाई टू कॉन्स्टेंट कर दे रहे हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, माइनस इसको भी कॉन्स्टेंट कर दे रहे हैं, है ना। कॉन्स्टेंट वन बाई टू कॉमन है, बाहर कर दे रहे हैं, और वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स होता है ना, नहीं अंडर रूट में होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है लॉग, है ना, वन बाई टू ए लॉग, एक मान वन है, लॉग क्या एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन, ये होता है ना भाई, एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस ए, और इसका टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, आंसर आ गया वन बाई फोर लॉग एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन, माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आया। अच्छा, हाँ आया, पूछे तो हैं अभी, हाँ सूत्र कहाँ लिखे हैं यहाँ, ये बताइए जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं वही सूत्र के हिसाब से, मतलब तो सूत्र के हिसाब से लिखिए, तब सूत्र के हिसाब से नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट सूत्र ही तो यूज कर रहे हैं, एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन, अब मत चेंज कराएगा, नहीं बहुत